हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी। और आज की जर्नी को मैं एक्साइटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ वो है इंडिया की आखिरी मीटर गेज ट्रेन। जी हाँ, इंडिया की आखिरी छोटी लाइन वाली ट्रेन। और मैं इस समय हूँ पलिया कलां रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, वैसे तो इंडियन रेलवेज़ काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। आप देखते होंगे किस तरीके से नई नई ट्रेन चलती हैं, नए नए कोचेस चलते हैं, नए नए लोकोमोटिव्स आते हैं इंडियन रेलवेज़ में। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज भी मीटर गेज लाइन है और मीटर गेज लाइन की ही ट्रेन चलती है। यहाँ पर सिर्फ दो ट्रेन चलती हैं, एक सुबह के टाइम पर, एक शाम के टाइम पर। मेरे सामने है पलिया कलां रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार और मैं अंदर जाकर ख़रीदता हूँ टिकट। तो टिकट्स मैंने खरीद ली हैं, मुझे 30 रुपये की पड़ी हैं। और टिकट यहाँ पर बुक करने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर टिकट आपको काउंटर से ही लेनी पड़ेंगी। वैसे यहाँ पर एक ATM मशीन लगी हुई है सामने, लेकिन वो ख़राब है। तो अब चलते हैं यहाँ के प्लेटफॉर्म, देखते हैं कैसा है। पहुँच गए हैं यहाँ के प्लेटफॉर्म पर और आप देखिए यहाँ का मीटर गेज ट्रैक। स्टेशन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर 3 ट्रैक हैं, वही एक ये है, दूसरा तीसरा। और ये सामने यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पर एंड है स्टेशन का। सामने RPF वाले खड़े हुए हैं। हमारी ट्रेन का टाइम 3:30 बजे का था, लेकिन हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है, जो कि आएगी 4:30 बजे। और मैं आपको बताऊँ, यह सफ़र काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच से होते हुए, जो कि है टाइगर रिजर्व। वहाँ पर आपको शारदा नदी मिलेगी उफनती हुई और एक नहर मिलेगी। तो ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो को पूरा देखें। और हाँ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप देख सकते हो चेहरे पे किस तरीके से गर्मी पड़ रही है। कितनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकता, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ पूरी तरीके से। सामने हमारी ट्रेन आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह ट्रेन यहाँ के लोगों की लाइफ लाइन है। अक्सर अभी कोविड के टाइम पे ये ट्रेन बंद रही थी, तो अक्सर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ से आने जाने में। और बीच में जितने सारे स्टेशंस पड़ते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेन से अप डाउन करते हैं, तो ये ट्रेन लोगों की लाइफ लाइन है। और सामने हमारी ट्रेन जो है धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म पर बढ़ती आगे बढ़ती हुई, थोड़ी देर में हम उस पर बोर्ड करेंगे। और इसमें इज्जत नगर साइड का लोकोमोटिव लगा हुआ है डीजल। और ये रही छोटी लाइन की ट्रेन, यानी कि मीटर गेज लाइन की ट्रेन। और देखो, टोकन एक्सचेंज किया गया था अभी, ये देखो लोकोमोटिव। एक्चुअली YDM-4 का लोकोमोटिव है। और ये पैसेंजर ट्रेन है, काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, देखो। तो देखते हैं हमें सीट कहां पर मिलती है। ट्रेन एक हॉन्ग कर चुकी है, इसका मतलब चलने वाली है अभी। और अभी मैंने बोर्ड नहीं किया है, तो मैं पहले बोर्ड कर लेता हूं, फिर देखता हूं, नहीं तो ट्रेन चल देगी। भैया एक मिनट। तो फाइनली मैंने मीटर गेज की लाइन पर बोर्ड कर लिया है और अभी कुछ देर में चलने वाली है ट्रेन, देखते हैं कितनी देर में चलेगी। तो आपको इस ट्रेन का एक लुक दे देता हूँ इंटीरियर का। सीट्स देखो आप लोग, अभी यहाँ पे लकड़ी वाली प्लाईवुड लगा हुआ है सीट्स पर। और ट्रेन चल रही है मेरी। तो फाइनली पलिया कलां जंक्शन को बाय बाय करते हुए, बाय बाय पलिया कलां, बाय बाय। सामने इस जर्नी की पहली रेलवे क्रॉसिंग आती हुई और हमारे RPF साहब खड़े हुए। और सच में यार, जो फील आ रही है ना, कसम से गजब की फील है, मतलब एकदम से मजा आ गया। और
और वैसे हमारी ट्रेन की स्पीड लगभग 25-30 निर्धारित है, लेकिन ये चल रही है अभी 46-50 तक जा रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। कम जगह है कि अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ पर जगह ख़त्म हो रही है, कभी कभी पैर आगे निकल जाता है, तो इसका मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। हमारी जर्नी का पहला स्टेशन आता हुआ और उतर जाने देते हैं सर। हाँ, पहला स्टेशन है यहाँ पर, सिग्नल अभी भी इस तरीके से चलते हैं। काफ़ी धीरे हो गई है। ये है हमारी जर्नी का पहला स्टेशन, धीरा खीरी। स्टेशन का नाम है धीरा खीरी। गाइस यहाँ पर एक मीटर गेज मालगाड़ी के कुछ डिब्बे खड़े हुए हैं बस खाली, और ये पीछे गार्ड रूम। ये स्टेशन का नाम है भीरा खीरी। तो हमारी ट्रेन स्टेशन से डिपार्ट करती हुई भीरा खीरी से। अभी काफ़ी धीरे चल रही है। तो हमारी जर्नी का ये था पहला स्टेशन, जो कि अभी अभी हमारी ट्रेन ने लेफ्ट किया है भीरा खीरी, और इसके बाद अब पढ़ने वाले हैं दुधवा के जंगल, जो कि है टाइगर नेशनल रिजर्व।
फॉरेस्ट हम लोग एंटर कर चुके हैं दूसरा के फॉरेस्ट में। ट्रेन जा रही है और उस तरफ रोड चल रही है। बड़ी लाइन पे एक ट्रेन खड़ी हुई है ब्रॉड गेज पर जो कि लखनऊ जा रही है। अभी और दोस्तों यह इंडिया का एकमात्र ऐसा रूट रह गया है जहां पर अभी मीटर गेज की ट्रेन चलती है। आप लोग सामने देख सकते हो कितने सारे इंजन खड़े हुए हैं ब्रॉड मीटर गेज के, लगभग 8-10 इंजन खड़े हुए हैं और बहुत सारे कोचेस खड़े हुए हैं और उधर पीछे विस्टाडोम कोचेस भी खड़े हुए हैं जो कि मीटर गेज के ही हैं क्योंकि ये लाइन हेरिटेज कर दी गई है। तो यहाँ पर विस्टाडोम कोचेस चलाए जाएंगे अब क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क की वजह से सामने लगभग वो खड़े हुए विस्टाडोम कोचेस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैलानी जंक्शन और हमने डिबोर्ड कर लिया है ट्रेन से। यहां पर आकर हमारी जर्नी को फुल स्टॉप लगता हुआ और अब यहां से हम जाएंगे सीधे घर। और दोस्तों हम आपको बताएं कि जब भी विस्टाडोम ट्रेन जिस दिन चलेगी, मतलब विस्टाडोम कोचेस के साथ जिस दिन ट्रेन चलेगी, तो उस दिन मैं ज़रूर आऊँगा और उस ट्रेन को कवर करूँगा। ये देखो ड्राइवर साहब ने यहाँ पर पहियों के नीचे वोट लगा दी है।
ये इंजन हमें लेके आया था। अभी ये डीजल चेक कर रहे हैं। सामने खड़े हुए हैं विस्टाडोम कोचेस। देख लो गाइस, जिस दिन ट्रेन चलेगी उस दिन मैं ज़रूर कैप्चर करने आऊँगा। और दोस्तों, हो सकता है वीडियो में मैं उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को कि मैं उतनी अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अभी। और जैसे जैसे भाई सीखता जाएगा, वैसे वैसे अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट बनाएगा और अच्छे से अच्छा एडिट करेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छे से अच्छा लेकर आएगा। तो मतलब अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसे आप लोग पसंद कर रहे हो। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और हाँ कमेंट में बताया करो, जो भी कमियाँ हुआ करें वो कमेंट में बता दिया करो, तो फिर मैं उन्हें ठीक करूँगा। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारी कमियाँ हैं मेरे अंदर, अभी मैं उतना प्रो ब्लॉगर नहीं हूँ, बट सीख रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और भाई को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट करो। तब तक के लिए दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।